तो दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ एरो आर्ट के स्टॉल पर और उन्होंने क्या कुछ नया बनाया है हमारे देश के लिए, तो चलिए जानते हैं। तो वेलकम, क्या आपका नाम है? सर मेरा नाम आर्यन है और मैं एरो आर्क में एज अ R&D इंजीनियर काम करता हूँ। सो आज हम लोग ने यहाँ पे अपने टोटल 1, 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करा है। सो ये पर्टिकुलरली हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स हमने डिफेंस के लिए ही बनाए हैं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले अपने म्यूल के बारे में बताता हूँ। सो इसका नाम है आर्कवी म्यूल, हमने इसका नाम आर्कवी म्यूल रखा है। अब आपको लग रहा होगा म्यूल से इसका क्या मतलब है। म्यूल उन जानवरों को कहते हैं जो एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, बट रोबोटिक्स में म्यूल का मतलब होता है मल्टी यूटिलिटी लेगेड इक्विपमेंट। सो वाई मल्टी यूटिलिटी? मल्टी यूटिलिटी हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चाहे किसी भी टाइप का टेरेन हो, किसी भी टाइप के टेरेन में आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं और इसमें आप मल्टीपल पेलोड्स यूज कर सकते हैं, मल्टीपल पेलोड्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका क्या यूजर मतलब फाइनल केस क्या है, फाइनल यूजिंग केस क्या है। सो ऑन टॉप आप इस पे डिफरेंट RGB कैमरा, थर्मल कैमरा, लाइडार्स, EO सिस्टम्स या फिर इवन जो सेंसर जो एनवायरनमेंट में हैजार्डियस गैसेस हैं या केमिकल्स हैं जो इसको सेंस करते हैं वो भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड इवन एक प्लेटफॉर्म जैसे जो आज हमने यहाँ पे डिस्प्ले भी किया है, एक स्टेबलाइज्ड वेपन सिस्टम जो है आप वो भी इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं। नॉर्मल वॉक इसका कंटिन्यूसली ऑपरेशनली नॉर्मल जो वॉक है वो 7 घंटे तक लगातार आप इसको चला सकते हैं। विदाउट पेलोड या पेलोड? विदाउट पेलोड, डिपेंडिंग ऑन पेलोड एंड ग्रेडियंट आपका टाइमिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, वेट जो हाँ वो ओवरऑल इसके एंड्योरेंस में उससे फर्क पड़ता है। नॉर्मल वॉक मोड जो है ये 7 घंटे तक लगातार हमने इसको चलाया है और एक रन मोड है जिसमें इसकी नॉर्मल वॉकिंग स्पीड से 2 टाइम्स इसकी स्पीड हो जाती है भागने की। सो रन मोड में हमने इसको कंटिन्यूसली 3 घंटे तक भगाया है। सो ये किसी भी टेरेन में जा चल सकता है? हाँ। सो अगर आप देखें इसमें नीचे रबड़ के शूज लगाए हैं, ये ऑल टेरेन शूज हैं, बट डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप के टेरेन पे आप ये शूज को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आइस वाले इलाके में, बर्फीले इलाके में, तो हमने स्पाइक्स वाले शूज इसके डेवलप करे हैं, आप वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई डेजर्ट एरिया में, तो डेजर्ट एरिया में थोड़े ज्यादा सरफेस एरिया वाले शूज हैं, आप वो इसमें अटैच कर सकते हैं। लाइक एसेसरीज हैं, राइट? वो आपके यूजिबिलिटी क्या है वो उस पर डिपेंड करता है। और इसके कोई ऑर्डर इंडियन आर्मी को ट्रायल के लिए या हुए? ये ट्रायल्स में था रिसेंटली हमको ऑर्डर्स भी मिले हैं, बट वी हैव गॉट द ऑर्डर, हमको इसका ऑर्डर मिल चुका है आर्मी की तरफ से। और ये 100% इंडिजिनाइज है या फिर? आई वुड से नॉट 100% बट मोर देन 65%, लाइक हम कंप्लायंस को पूरा कंप्लीट करते हैं, दैट्स हाउ वी गॉट द ऑर्डर्स ऑल्सो, इसलिए हमको ऑर्डर भी मिला है, अदरवाइज ऑर्डर भी नहीं मिलता। और कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला? अभी तक एक्सपोर्ट के लिए तो नहीं मिला है, बट वी आर लुकिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑल्सो। हमारा मेन गोल ही है कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। सो इसी इनिशिएटिव के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और सारे प्रोडक्ट्स हमारे इसी इंटेंट से बन रहे हैं कि हम लोग। वैसे इसकी पेलोड कैपेसिटी क्या है रोबोटिक की? इसको इसके ऊपर आप 12 kg तक का सामान लाद सकते हैं, 12 kg इसका पेलोड कैपेसिटी। कारण मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो सेना है वो लद्दाख के एरिया में डिप्लॉय है और वहाँ पर टेरेन काफ़ी हार्ड है, तो वहाँ पर ये ऑपरेट किया जा सकता है सामान के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसको इवन ट्रायल्स के दौरान भी ऐसे एल्टीट्यूड्स पे, ऐसे टेरेन्स पे टेस्ट करा है जो कि मतलब आप जानते हैं आर्मी किस टाइप के टेरेन्स पे काम करती है, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने इसके जितने भी टेस्ट कंडक्ट करे हैं वो आर्मी के साथ मिलकर करे हैं, उनके निगरानी में करे हैं, उनके सामने करे हैं एज पर देयर यूजिबिलिटी, वो इसको जिस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। इवन मैं ये कहूँगा कि हमने नहीं, आर्मी ने खुद टेस्ट करे है, आर्मी के लोगों ने खुद से टेस्ट करा है, इसको खुद से चला के टेस्ट करा है, रिक्वायरमेंट होगी आर्मी, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने टेस्ट करा है। आपका दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है? सो इसके बाद हम बात कर सकते हैं हमारे छोटे सर्वेलेंस ड्रोन के बारे में। सो जो आप देखेंगे दो छोटे ड्रोन्स हैं, दोनों की कैपेबिलिटीज सेम है, इस जस्ट जो हमारा मेन ड्रोन है त्रिनेत्र, उसके अंदर एक थर्मल दो प्राइमरी कैमराज है, एक थर्मल कैमरा है, एक नॉर्मल RGB कैमरा है। सो थर्मल कैमरा यूज़ करके आप नाइट ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, रात में भी ऑपरेट कर सकते हैं, और RGB कैमरा से आप डे ऑपरेशंस नॉर्मली कर सकते हैं। इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज है वो 6 किलोमीटर तक है, और छोटे वाले ड्रोन हाँ वो 6 किलोमीटर तक आप ऑपरेट कर सकते हैं, और उसका फ्लाइट टाइम 30 मिनट के आसपास है, 30 मिनट तक आप इसको कंटिन्यूसली फ्लाई कर सकते हैं।
उसके अलावा ऑनबोर्ड सिस्टम पे 6 और कैमराज हैं, वो एक्चुअली कैमराज नहीं है, वो सेंसर्स हैं, ऑप्टिकल फ्लो सेंसर्स हैं, जिसकी मदद से वो जीपीएस डिनाइड एरियाज जैसे होते हैं जहाँ पे जीपीएस नहीं आ रहा, या आपको इंडोर फ्लाई करना है, आपको किसी कमरे के अंदर फ्लाई करना है, तो आप वो भी पॉसिबल है, वो कर सकते हैं उसमें। इसका यूज़ मिलिट्री पर्पस में भी है? बिल्कुल बिल्कुल, इवन मैं ये सेम जैसे मिल के लिए मैंने कहा, इसके भी सारे टेस्ट आर्मी के सामने ही कंडक्ट हुए हैं, आर्मी के जो उनके डिफरेंट यूज़ केसेस हैं उनके हिसाब से ही कंडक्ट करे गए हैं। इसमें बेस्ट पार्ट ये है, फुली ऑटोनॉमस सिस्टम है, कोई भी आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद इसको आराम से उड़ा सकता है। ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, डिफरेंट 3 ऑप्शंस में आप उसको सेट कर सकते हैं कि आपको किसी भी ऑब्स्टिकल के कितने पास तक जाना है। इसमें ऑब्स्टिकल डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस दोनों कैपेबिलिटी है, सो अगर इसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है तो इसको अवॉइड करके वापस से नॉर्मल अपनी ट्रेजेक्ट्री पे खुद ब खुद आ सकता है, पायलट को वापस लाने की ज़रूरत नहीं। लाइक मतलब रिटर्न टू होम टाइम? नहीं नहीं नहीं, रिटर्न टू होम तो इसका फेल सेफ हो गया, अगर कुछ वो सेफ्टी फीचर होता है, पर ये है कि अगर जैसे ये कहीं ऑपरेशंस के लिए जा रहे हैं पर इन बिटवीन जाते जाते बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया इसकी ट्रेजेक्ट्री में, तो ये उसको डॉज करके वापस से अपनी नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री पे खुद आ जाए। बेसिकली गन हमारा प्रोडक्ट नहीं है, इट्स स्टेबलाइज्ड वेपन सिस्टम जो हमने बनाया है। सो ये वाला पर्टिकुलर मॉडल 5.56 mm की जो बुलेट्स यूज करती है गन्स, वो आप इस पे माउंट कर सकते हैं, और इसको इसका जो टारगेट लॉकिंग का जो दूरी है तो 400 मीटर तक अगर टारगेट है तो उसको लॉक कर सकते हैं और उसको कंटिन्यूसली फॉलो कर सकता है, लेकिन फाइनल इनपुट सारे जो मैनुअल ऑपरेटर है जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं वो उसके ऊपर है फाइनल डिसीजन। और 200 मीटर तक ये प्रिसाइजली शूट कर सकता है, 200 मीटर तक प्रिसाइजली शूट कर सकता है। एंड व्हाट अबाउट दिस? सो ये हमारे अगला बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम एक हैवी पेलोड ड्रोन बना रहे हैं, लाइक चिनूक। हाँ, आप देख सकते हैं ये टेंडम रोटर कहते हैं इसको, बेसिकली इस डिज़ाइन को टेंडम रोटर्स कहते हैं। तो ये एक हैवी पेलोड हैवी हाई अल्टीट्यूड ड्रोन है जो कि 30 kg तक का सामान उठा सकता है, और फाइनल टेस्ट्स में है अभी हम इसको टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, जल्दी आपको आर्मी में ये भी देखने को मिलेगा। इसका साइज़ कितना होगा? सो ओवरऑल टिप टू टिप ये अप्रॉक्सीमेटली 7 फुट का है, टिप टू टिप, हाँ 7 फुट लगभग, केवल पेलोड के लिए। हाँ, ये पेलोड कैपेसिटी 30 kg तक का पेलोड उठा सकता है दिल्ली जैसे अल्टीट्यूड पे, जैसे दिल्ली जैसे अल्टीट्यूड पे, यहाँ पे ऊपर जैसे हमने तवांग में जब फ्लाई करा है इसको तो वहाँ पे ये लगभग 15 kg का हमने टेस्ट करा था जो फाइनल टेस्ट करा है, उसके अलावा भी हम और टेस्ट कंडक्ट करेंगे।